सम्मान्य शिक्षक साथियों, साधारण नमस्कार। देखिए, 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक हमको विद्यार्थियों का दक्षता उन्नयन के अंतर्गत मिडलाइन टेस्ट लेना है। और साथियों, इस मिडलाइन टेस्ट में हम कुछ गलतियां न करें, इस हेतु मैं आपको कुछ जानकारी, कुछ सुझाव आज देना चाहता हूं। और उन सुझावों को मैंने यहां पर लिखा है। देखिए, पिछले वर्ष कुछ गलतियां कुछ विद्यालयों के द्वारा की गई थी, जिसके कारण हमको सही आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाए थे। तो साथियों, बिना विलंब के हम प्रारंभ करते हैं और विनती यही है कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहे, ताकि आपको ये जानकारियां प्राप्त हो सके, आप जान सके कि हमको मिडलाइन टेस्ट में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और मिडलाइन टेस्ट हमें किस प्रकार करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां लिखा है शीर्षक के रूप में कि ये गलतियां न दोहराए मिडलाइन टेस्ट में। सबसे पहला बिंदु क्या है कि ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, हमारे विद्यालय में ये 3 प्रकार से बोर्ड हो सकते हैं, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, इस पर लिखकर सामूहिक टेस्ट ना ले। अक्सर विगत वर्ष में यह देखा गया था कि बहुत सारे विद्यालयों में विद्यार्थियों का सामूहिक टेस्ट ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिखवा करके ले लिया गया था, जिससे कि बच्चों के वास्तविक स्तर का या उनकी वास्तविक दक्षता का पता नहीं चला था। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें किसी प्रकार से सामूहिक टेस्ट जो है या मूल्यांकन जो है वो हम व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर लिख करके ना ले, ठीक है। दूसरा बिंदु देखिए कि टेस्ट पेपर सभी बच्चों को वितरित कर सामूहिक टेस्ट ना ले। देखिए, प्राथमिक स्तर में विशेष तौर से हमको बच्चों को सामूहिक रूप से हमको जो टेस्ट पेपर है वो वितरित करके नहीं लेना है। हम जब मूल्यांकन लेते हैं या त्रैमासिक या छमाही परीक्षा जब लेते हैं, तो हम बच्चों को टेस्ट वितरित करते हैं, प्रश्न पत्र वितरित करते हैं और उनसे हम मूल्यांकन लेते हैं। इस प्रकार से हमको मिडलाइन टेस्ट में नहीं करना है, हमको अलग अलग विद्यार्थियों को बुला करके उनका टेस्ट करना है। साथियों, मैं आगामी वीडियो में आपको मूल्यांकन प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न कराना है उसके संदर्भ में जानकारी अवश्य दूंगा, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसमें आप ये ध्यान रखना है कि हमको बच्चों को किसी प्रकार से टेस्ट पेपर जो है वो वितरित करके सामूहिक रूप से टेस्ट नहीं लेना है। विगत वर्ष में यह देखा गया था कि कई विद्यालयों में सामूहिक रूप से बच्चों को टेस्ट पेपर वितरित कर दिया गया था और उनसे ले लिया गया था, ठीक है। तो यह प्रक्रिया गलत है, हमको ऐसा नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगला बिंदु है कि विद्यार्थी व मूल्यांकन प्रपत्र में बच्चों के लिए स्थित सभी दक्षताओं पर टिक न करें। हिंदी भाग एक व भाग दो एवं गणित भाग एक में उच्चतम दक्षता पर ही टिक करें। साथियों, पिछले साल यह देखा गया था कि बहुत सारे विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक साथियों ने जो हिंदी की के दो भाग है, लिखना और पढ़ना के, तो उनमें जो बच्चे ने दक्षता जो उसको है हासिल है, उन सभी दक्षताओं पर उन्होंने टिक कर दिया था। ऐसा नहीं करना है, केवल उच्चतम दक्षता। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा शब्द पढ़ पाता है परंतु वह वाक्य नहीं पढ़ पाता और वह अक्षर पढ़ लेता है, तो कुछ शिक्षक साथियों ने अक्षर पर भी टिक कर दिया था, शब्द पर भी टिक कर दिया था। तो ऐसा नहीं करना है, उसकी उच्चतम दक्षता शब्द है तो केवल शब्द पर ही टिक करना है। इस तरह गणित में यदि अंक पहचान, संख्या पहचान, जोड़ना घटाना गुणा भाग ये दक्षताएं हैं, और यदि एक बच्चा घटाना जानता है किंतु वह गुणा नहीं जानता है, और जब घटा जानता है तो निश्चित तौर जोड़ भी जानता होगा और संख्या पहचान भी है, अंक पहचान भी है, तो शिक्षक साथियों ने अंक पहचान, संख्या पहचान, जोड़ना और घटाना सभी पर टिक कर दिया था। ऐसा नहीं करना है, केवल उच्चतम दक्षता उसकी घटाना है तो केवल हम घटाना पर ही टिक करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं चौथे बिंदु पर। कक्षा 3 से 5 तक के समस्त बच्चों के 2 समूह अंकुर व तरुण, कक्षा 6 से 8 तक 3 समूह अंकुर, तरुण और उमंग बनाया जाना है, कक्षा वार बिल्कुल न बनाए। साथियों, विगत वर्षों की त्रुटियों को देखते हुए यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमें कक्षा वार विद्यार्थियों का समूहोद्धरण नहीं करना है। देखिए, यदि प्राइमरी स्तर की हम बात करें, प्राथमिक शालाओं की, तो प्राथमिक शाला में कक्षा 3 से 5 तक के जितने भी विद्यार्थी, उनको केवल 2 समूहों में हमको बांटना है, डिवाइड करना है, अंकुर समूह और तरुण समूह। इसके बारे में जानकारी आपको पूर्व के वीडियो मैंने दे दी है, ठीक है। और इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 3 समूह में बांटना है, और वो है अंकुर, तरुण और उमंग समूह, ठीक है। हमको किसी भी तरह से कक्षावार समूह का निर्धारण नहीं करना है, कक्षावार समूह नहीं बनाना है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हालांकि ये हमने जुलाई में कर चुका है,
ठीक है, फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है। अगला बिंदु है साथियों, बच्चों का मिडलाइन टेस्ट विभाग द्वारा प्रसारित टूल के द्वारा ही किया जाना है, किसी अन्य टूल का नहीं। देखिए, हमें जो अभी मिडलाइन टेस्ट होना है, उस मिडलाइन टेस्ट को आप जो विभाग के द्वारा हमें टूल प्राप्त हुआ है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, हिंदी विषय का ये टूल, ठीक है, और इसी तरह से ये गणित विषय का टूल जो कि हमको विभाग के द्वारा प्राप्त हुए है, इनका ही आप प्रयोग करें मिडलाइन टेस्ट में, किसी अन्य टूल का या अन्य साधन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। ये टूल ऐसे हैं जिसमें बच्चों की वास्तविक दक्षता का हमें पता चल जाता है। यदि हम किसी अन्य टूल का सहारा लेते हैं या प्रयोग करते हैं तो उससे हम बच्चे की वास्तविक स्थिति या उसके वास्तविक दक्षता, उसके वास्तविक स्तर का पता नहीं कर पाते। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि मिडलाइन टेस्ट जो है, विभाग द्वारा प्रसारित जो हिंदी विषय का टूल है, गणित विषय का टूल है, इसका ही आपको प्रयोग करना है, ठीक है। और अंतिम बिंदु के रूप में साथियों, किसी भी तरह से सामूहिक टेस्ट न ले, व्यक्तिगत विद्यार्थियों को पास बुलाकर ही जांच करें। मिडलाइन टेस्ट की हम बात करें या बेसलाइन की बात करें या एंडलाइन टेस्ट की बात करें, यदि कोई भी टेस्ट करना हो तो आपको किसी भी तरह से सामूहिक जांच नहीं करनी है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि सामूहिक रूप से ना तो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखवाए और ना ही बच्चों को टेस्ट पेपर सामूहिक रूप से दे, आपको प्रत्येक विद्यार्थी को अपने पास बुला करके उनकी जांच करना है, उनका मूल्यांकन करना, उनका टेस्ट लेना है और उनकी वास्तविक स्तर का, उनकी वास्तविक दक्षता का आपको पता लगाना है। तो साथियों, ये कुछ प्रमुख बातें थी जिनका जिक्र मैंने आपसे किया और यह आवश्यक भी है और हमारे लिए जानना भी जरूरी है कि हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। साथियों, आगामी वीडियो में मैं आप लोगों को मिडलाइन टेस्ट के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। साथियों, आज के इस कालखंड में बस इतना ही। आगामी कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।